नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप शो में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हमारी पहली खबर में हम बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर हिंदू महापंचायत में कथित सांप्रदायिक भाषण के आरोप में रामभक्त गोपाल को गिरफ्तार किया गया। हमारी दूसरी खबर बिहार से, न खाद्यान्न और न ही ईंधन उपलब्ध, छतों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जिंदा रहने का संघर्ष करते बाढ़ पीड़ित। न्यूज चक्र में अभिसार शर्मा से कोरोना से जुड़े कुछ सवाल। बिलियनियर स्पेस रेस, अमीरों का ऐश का जरिया। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में करीब 4 महीने बाद 32,000 नए मामले, 2020 मरीजों की मौत। हरियाणा पुलिस ने हरियाणा के पटौदी में हुई हिंदू महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले राम भक्त गोपाल यानी गोपाल गुज्जर को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 4 जुलाई को भारतीय किसान संघ के राज्याध्यक्ष ओम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित महापंचायत में शामिल भाजपा के राज्य प्रवक्ता सूरज पाल अम्मू, नगर पालिका चेयरमैन सुरेश, कश्मीरी विस्थापित के पाल, नरेंद्र पहाड़ी, गोपाल गुज्जर, विक्रम ठेकेदार व अन्य लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद व धर्मांतरण पर बोलते हुए हिंदू समुदाय को आह्वान किया कि अल्पसंख्यकों को किराए पर दी हुई अपनी दुकान मकान वापस ले लें तथा उनके साथ व्यापारिक संबंधों को खत्म किया जाए। गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के घुसने पर उनके पहचान पत्र की जांच की जाए। इसके लिए गांव-गांव में 10 से 20 लोगों की कमेटी बनाई जाए। पिछले साल CAA NRC के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले गोपाल गुज्जर ने भाषा की मर्यादा को ताक पर रखते हुए महिला विरोधी बातें कर नौजवानों को भड़काने की कोशिश की, साथ ही उसने हिंसात्मक और अल्पसंख्यक विरोधी नारे भी लगाए। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माकपा की गुरुग्राम जोनल कमेटी ने हरियाणा के पटौदी में आयोजित तथा कथित हिंदू महापंचायत के माध्यम से अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक द्वेष फैलाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी। बिहार के करीब 1 दर्जन जिलों में बाढ़ आई हुई है। गोपालगंज जिले के कई गांव ऐसे हैं जिनमें पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि जिला मुजफ्फरपुर के गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रालियों, घर की छतों और अन्य ऊंची जगहों पर जीवन गुजारने की मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें अब तक की सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। वे कहते हैं कि सरकार उनके लिए राशन पानी या नाव तक का इंतजाम नहीं कर पा रही। सोमवार को भी राज्य में बाढ़ की स्थिति खतरनाक बनी रही, क्योंकि उफान पर चल रही कई बड़ी नदियां कई जगह खुले मैदान में आ गई हैं। इसके चलते अलग अलग जिलों में सैकड़ों गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं। इसके चलते लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अब ऊंची जगहों पर स्थानांतरित होने के बाद उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। जब से गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है, हजारों लोग जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, सबसे बुरे तरीके से प्रभावित गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार में लोगों को आस पड़ोस की ऊंची जगहों और हाईवे पर शरण लेनी पड़ रही है। अब तक कितने गाँव और लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, सरकारी संस्थानों द्वारा यह आंकड़ा निकला जाना अभी बाकी है। राज्य में बाढ़ की स्थिति पर प्रतिदिन कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं होता, सिर्फ बाढ़ से बढ़ता जलस्तर और वर्षा का अनुमान बताया जाता है। इस साल मानसून आने के बाद से बिहार और पड़ोसी नेपाल में बड़ी नदियों के बहाव क्षेत्रों में अधिशेष वर्षा हुई है, जो कि 430 मिलीमीटर से भी ज़्यादा, जो सामान्य वर्षा से 100 मिलीमीटर ज़्यादा है। इसी को निचले इलाके में आई बाढ़ का कारण बताया जा रहा है। आज के न्यूज चक्र में अभिषेक शर्मा यह सवाल उठा रहे हैं कि अब जबकि कोरोना की तीसरी लहर का आना लगभग तय है, तब केंद्र सरकार और आम जनता क्या कर रहे हैं और क्या हमारी तैयारी पूरी है। देखिए शो का यह एक हिस्सा। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और तय तौर पर आ रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर, खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना पर चेतावनी दी है। IMA ने कहा है कि तीसरी लहर नजदीक है और ऐसे में टूरिज्म और धार्मिक यात्राएं कुछ और महीने इंतजार कर सकते हैं। यह चेतावनी तब आई है
जब देश के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गया है और टूरिस्ट स्पॉट्स में लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। तस्वीर देखिए दोस्तों, यह तस्वीर है मनाली की। होटलों के आगे लोग बैठे हुए हैं कि होटल में हमें एडमिशन मिल जाए। कुछ दिनों बाद यही लोग अस्पतालों के सामने, इन्हें खड़ा ना होना पड़े। और यही नहीं दोस्तों, यह देखिए, यह है केम्प्टी फॉल्स की तस्वीर, मसूरी के केम्प्टी फॉल्स की तस्वीर। कितनी बड़ी तादाद में यहां लोग जो है नहा रहे हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि पिछले कई महीनों से लोग अपने घरों में बंद हैं, और जब आप लगातार घरों में बंद होते हैं तो आपको बाहर जाने का मन होता है। मैं लोगों की इस भावना के साथ पूरी तरह से हूं, मैं आपकी दिल की भावना को समझता हूं, मगर हमें थोड़ा सा और संयम बरतना पड़ेगा। क्योंकि आपको, आप ये ना भूलें कि जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब हमें दवाओं की जरूरत थी, जब हमें अस्पतालों की जरूरत थी, तो हमारी सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। बताइए ना, हुई थी या नहीं हुई थी। आगे खबर क्या कहती है, मौजूदा हालात में भी देश में जिस तरह से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, आईएमए ने इस बात पर भी गहरा दुख जाहिर किया है। आईएमए ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि भारत अभी अभी भयावह दूसरी लहर से बाहर आया है और इसके पीछे स्वास्थ्य महकमे की कोशिशें हैं। आगे वो क्या कहते हैं, आईएमए ने कहा है कि इतिहास में जितनी भी महामारियां आई हैं उन्हें देखा जाए तो यह साफ है कि तीसरी लहर को भी टाला नहीं जा सकता, यह बेहद करीब है। समझ जाइए, संभल जाइए, हमें अपनी रक्षा खुद करना है। क्योंकि सरकार में बहुत जबरदस्त असमंजस है, यह सरकार आपकी मदद करेगी नहीं करेगी हम नहीं जानते हैं। यह खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ब्रिटेन के अंदर 51% लोगों को पूरा वैक्सीन लग चुका है और भारत के अंदर सिर्फ 5.3% से लेकर 5.5% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया है, टीका लगाया गया है। मैं जानकारी आपको क्यों दे रहा हूं, मैं जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगर कम लोगों को टीका लगेगा तो कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा रहता है। और अब मैं इस बात का आपको प्रमाण देना चाहता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, यह ग्राफिक है, यह बता रहा है कि कोरोना की जो तीसरी वेव है, कोरोना की जो तीसरी लहर है, वो ब्रिटेन में लगातार बढ़ रही है, उनके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मगर ब्रिटेन में, जैसा कि आप जानते हैं, 51% लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा चुका है। अब यह दूसरा ग्राफिक देखिए, इस ग्राफिक के हिसाब से मृतकों की तादाद जो है वो स्थायी बनी हुई है, यानी कि मृतकों की तादाद नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर 51% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और भारत के अंदर कितने फीसदी लोगों को? सिर्फ 5.5% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। दुनिया के 3 बिलियनियर रिचर्ड ब्रेंसन, जेफ बेजोस और एलोन मस्क द्वारा शुरू की गई स्पेस विमानों के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज क्लिक के लिए डी रघुनंदन और प्रवीण पुरकास्ता ने इस पर चर्चा की है और इसके बारे में जानने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। Raghu, this has become a sort of competition between 3 billionaires, Jeff Bezos, who's also has a rocket and spacecraft under development. Of course, Elon Musk, who started it earlier, at least the publicity about it, and now Richard Branson, who's taken over another program than which he has crafted it for this specific purpose. So what does it indicate? That is it for really exploring space, or is this particular launch, particularly what Richard Branson and Virgin Galactica has done, is it really for space joyrides? So the joyrides are certainly important to Branson because that's what he wants to sell to the public, not to the public, but to the well-heeled public, because only they can afford to take a ride on this. But that's the idea he's trying to sell, is that this is a joyride, once in a lifetime opportunity to go to space, experience weightlessness, etc. But there is a longer term vision involved also. Given Branson's own background with Virgin Atlantic and the Virgin Airlines that he runs, this is also being used as a lead up to a possible passenger aircraft model, which replicates the hypersonic
missiles and aircraft that we hear about so much. The idea being you take it up to altitude sufficiently enough to allow the aircraft to glide back to Earth from a sufficient height to give it Mach 4, Mach 6 speeds and glide back to its position. So this is a way of cheating the old Concorde problem of supersonic air travel. So this can later morph into a hypersonic aircraft, which can then be used for polar launches, San Francisco to Tokyo, New York to wherever kind of things to cut down travel. So that's always been a long-term civilian ambition of some people, and Branson is trying to kill two birds with one stone with this. Well, of course, lots of issues about using hypersonic aircraft. Absolutely. Civilian purposes. Absolutely. Subjecting people to Mach 5, Mach 6 kind of thing. That's right. And using it for missiles, which is one of the other application we have discussed. Well, but hypersonic passenger aircraft. That's the longer term thing, because after all, as we've been saying, the number of people who are likely to spend $200,000 for a seat. I thought it's half $1 million. So no, this is right now he's offering it for $200,000. But now that the first flight has gone off as well as it has, observers are expecting this price tag to go up before it starts coming down. So the initial lot will go much higher than $200,000. And then maybe it will start coming down. और आखिर में हम बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी 13 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 4 महीने बाद कोरोना के सबसे कम यानी 32,906 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 2020 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना से रोजाना हो रही मौत के आंकड़ों में अचानक इजाफा मध्य प्रदेश के कारण हुआ है। मध्य प्रदेश में सोमवार को 1,481 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। इसका कारण यह है कि राज्य में कोरोना से हुई 1,478 लोगों की मौत के संशोधित आंकड़ों को जोड़ा गया है। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटों में 146 मरीजों की मौत हुई और केरल में 100 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 49,007 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 18,121 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,09,07,282 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,10,784 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.27% यानी 3,63,720 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.40% यानी 4,32,778 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 38,14,67,646 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 40,65,862 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में ली गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।